नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सेफ्टम 500 एमजी टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो सेफ्टम 500 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ग्लैक्सो कंपनी कहती है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ग्लैक्सो। ये 4 गोली का टैबलेट का पैक आता है जिसकी कीमत रहती है ₹431 यानी ₹431 फॉर 4 टैबलेट। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे कैसे पैकिंग में आती है। दोस्तों ये ऐसा 4 गोली का पैक रहता है सेप्टम 500 mg। यहाँ पे MRP एक्सपायरी डेट पूरी जानकारी दी है। तो इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर कौन से कंटेंट कंपनी ने डाले हैं। तो दोस्तों ये जो सेप्टम 500 mg टैबलेट मार्केट में आती है, इसमें सेफोराक्सिन 500 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। ये देखिए सेफोराक्सिन 500 mg बेहतरीन दवा है दोस्तों। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो सेप्टम 500 mg टैबलेट मार्केट में आती है, इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन बोला जाता है दोस्तों, इसको हायर एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। बेहतरीन दवा है दोस्तों, ये मेनली यूजफुल इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ योर बॉडी। दोस्तों आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है सेप्टम 500 mg टैबलेट। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। दोस्तों आपको लंग्स के अंदर निमोनिया की शिकायत है, कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, तो बेहतरीन दवा है सेप्टम 500 mg। ऑल्सो इट इज़ यूजफुल इन ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, नसल साइनस इन्फेक्शन। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर जो आते हैं आपके कान, थ्रोट यानी घसा, नसल साइनस या फिर लंग्स निमोनिया की शिकायत है, तो उसके लिए बेहतरीन दवा है सेप्टम 500 mg टैबलेट। और भी ये दवा दोस्तों, अगर आपको कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कुछ स्किन इन्फेक्शन है, कुछ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है या फिर कुछ बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। और भी दोस्तों अगर आपको यूजफुल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के अंदर आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्लियर करने में भी ये दवा बेहतरीन काम करती है सेप्टम 500 mg। तो बेहतरीन दवा है दोस्तों, आपको सर्जरी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके लिए बेहतरीन दवा, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है दोस्तों। ये जो गोली है सेप्टम, अगर आप लेते हैं जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, उससे छुटकारा पाने के लिए, तो 101% रिजल्ट आते हैं दोस्तों। बेहतरीन दवा है, हेयर एंटीबायोटिक में आती है लेकिन रिजल्ट बेहतरीन है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपको नौसेन वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, डायरिया जैसी तकलीफ भी हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेज के बारे में देखेंगे कैसा लेना है। जनरली इसको 2 टाइम इन अ डे, रोजाना 2 गोली लेनी है, बेहतरीन दवा है। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।